देखते हैं आज हेक्सागन कैसे बनाएंगे, और आपको सिंपल तरीका सिखाएंगे हम हेक्सागन बनाने के लिए। चलिए देखते हैं, कोई भी एक रेडियस ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 40 का रेडियस ले लिया, सर्कल एक 40 का बनाएंगे। 40 का रेडियस लेकर एक ठो सर्कल बना लेंगे शुरू में, क्योंकि हम क्या किए शुरू में एक ठो सर्कल बना लिए, कितने के 40 के रेडियस लेकर। तो क्या करेंगे, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बना लेंगे। देखिए हम क्या किए, एक्स वाई और वाई डैश दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया। अब क्या करेंगे, 100 सर्कल क्या होता है, 360 का होता है। देखिए इसको अब 6 भाग में डिवाइड करना है या हेक्सागन बनाना है, तो क्या करेंगे 6 से इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, इससे 60 डिग्री का एंगल ले लेंगे। देखिए अब क्या किया हमने, 60 का एंगल ले लिया। देखिए तो यहाँ पर लिए, यहाँ पर 60 लिए, अब ए पॉइंट को है मिड पॉइंट से दोनों तरफ जोड़ लेंगे। देखिए दोनों साइड जोड़ दिए, साइड भी ऐसे ही किए। देखिए क्या किए, इसको जोड़ दिए, हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट है हम नेमिंग कर लेते हैं शुरू में। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये वाई एक्सिस का जो पॉइंट है, ये दोनों को हमने क्या किया, छोड़ दिए, क्योंकि हम लोग के क्या चाहिए, 6 मात्र पार्ट चाहिए, इसलिए हम 6 इसको 6 भाग में डिवाइड करेंगे और हेक्सागन बनाएंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस जब पॉइंट आए, इसे हम 1 पॉइंट से जोड़ देंगे 6 पॉइंट। इसके बाद क्या करेंगे, 1 पॉइंट को 2 से जोड़ लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 पॉइंट जो है इसको 3 से जोड़ देंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे, 3 के 4 से जोड़ लेंगे, 3 को 4 से जोड़ देंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, 4 को 5 से जोड़ लेंगे, उसके बाद 5 को 6 से जोड़ देंगे। देखिए ये हमारा क्या हो गया, हेक्सागन कंप्लीट हो गया। और बीच में जो है इस सब के क्या करेंगे हम, इरेज कर देंगे। देखिए इरेज कर दिया, और सर्कल को भी थोड़ा थोड़ा इरेज करके इसको में हटा देंगे, और सारे जो हमारा पॉइंट हेक्सागन का लाइन है उसको क्या करेंगे हम, डार्क कर देंगे। देखिए हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए हमारा हेक्सागन कंप्लीट हो गया।